आज जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो क्लास 10th एक्सरसाइज 13.1 पेज नंबर 245 पर 8 समय क्या गिवन है. गिवन है फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर. ए कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड द सेम डायमीटर इज होलोड आउट. फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड ऑफ द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर. डायग्राम देखिए, डायग्राम में क्या कह रहा है. इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कह रहा है कि कोई एक सिलेंडर है, सिलेंडर में से एक कॉनिकल पार्ट, जो कॉनिकल पार्ट है उसको अलग से काट लिया जाता है और जो पार्ट रिमेनिंग रह गया है उसका हमें क्या फाइंड आउट करना है, टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है. क्या करेंगे हम सबसे पहले सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट कर लेंगे. जो हमारी कॉनिकल कैविटी है उसका कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट कर लेंगे और जो सिलेंडर है, सिलेंडर का जो बेस एरिया है उसका हम सरफेस एरिया फाइंड आउट कर लेंगे और उसके बाद इन सभी को ऐड कर देंगे, वो हमारा क्या होगा, वो हमारा राइट आंसर होगा. देखिए कैसे करेंगे ये सब. क्या गिवन है, गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास हाइट ऑफ ए सिलेंडर ड्रिकल पार्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ कॉनिकल कैविटी इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर. और क्या गिवन है, डायमीटर ऑफ ए सिलेंडर इज इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर. रेडियस क्या रहेगी, रेडियस ऑफ ए सिलेंडर इज इक्वल टू, सिलेंडर की जो रेडियस क्या रहेगी, 1.4 बाय 2 इज इक्वल टू 0.7 इज इक्वल टू 7 बाय 10 सेंटीमीटर. ये हमारे पास क्या आ गया, रेडियस. और क्या गिवन है हमें, हमारे पास जो कॉनिकल कैविटी है उसकी रेडियस गिवन है और उसकी हाइट गिवन है. हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, इसकी साइलेंट हाइट फाइंड आउट करेंगे. साइलेंट हाइट ऑफ ए कॉनिकल कैविटी इज इक्वल टू, उसके लिए फॉर्मूला रहेगा हमारे पास एल इज इक्वल टू रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. वो क्या रहेगा, रूट ऑफ आर स्क्वायर. आर क्या है हमारे पास, रेडियस क्या है, 7/10 का स्क्वायर प्लस हाइट क्या है, 24/10 का स्क्वायर. ये क्या आ जाएगा हमारे पास, अब क्या आएगा हमारे पास, इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर 7/10 का स्क्वायर क्या होगा, 49/100 प्लस 24 का 576/100 क्या आ जाएगा, ऐड करने पे हमारे पास रूट ऑफ 625/100. ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास 625 किसका स्क्वायर रूट है, 25/10 क्या आ जाएगा, 2.5 सेंटीमीटर. ये हमारे पास क्या आ गया, साइलेंट हाइट. अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इज इक्वल टू क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल कैविटी प्लस
base area of सिलेंडर क्या रहेगा हमारे पास, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच प्लस पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, क्या रहेगा हमारे पास 2 इनटू 22 बाय 7 इनटू रेडियस क्या है 7/10 इनटू हाइट क्या है हमारे पास, हाइट है हमारे पास 24/10 प्लस 22/7 इनटू रेडियस 7/10 इनटू एल क्या है 25/10 प्लस 22/7 इनटू रेडियस क्या है 7/10 इनटू 7/10। अब हमारे पास कॉमन क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा हमारे पास 22 इनटू 7/10 22/7 × 7/10 कॉमन आ गया। रिमेनिंग पार्ट क्या रह गया 24 × 2 = 48/10 प्लस यहां से क्या आ गया हमारे पास कॉमन आ गया, क्या रह गया 25/10 प्लस यहां से कॉमन क्या रह गया 7/10। अब क्या आ जाएगा हमारे पास, हमारे पास आ जाएगा 22 7 से 7 कैंसिल आउट 22/10 इनटू में ऐड करेंगे क्या आएगा 7 + 5 = 12 = 8 20 2 कैरी 2 2 4 4 8 8/10 क्या आ जाएगा हमारे पास 22/10 इनटू 80/10 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा हमारे पास 176/10 क्या आ जाएगा 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या पूछा है हमें, गिवन है कि रिमेनिंग सॉल्व द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर में नियरेस्ट बताना है तो हम क्या करेंगे, सरफेस एरिया ऑफ नियरेस्ट इज 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।